छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया और कमलनाथ के खिलाफ नारे लगाए। आदिवासी समाज पूर्व तामिया थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराज है। आदिवासी समाज ने तामिया थाने के समीप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। आदिवासी समाज ने पूर्व थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान आदिवासी समाज ने शासन और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। आदिवासी युवा नेताओं का कहना है कि पूर्व थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा ने विवाह स्थल पर अभद्र व्यवहार किया था। इस अभद्रता को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है। बैठा हमने बैठक में 15 आदिवासी संगठनों के मुख्य पदाधिकारी उस बैठक में उपस्थित थे, जिसमें माननीय कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन जी से लेकर जो SP हमारे विवेक अग्रवाल सर से लेकर तमाम आला अधिकारी वहां पर उपस्थित थे। सबसे बात करने के पश्चात ये निकला कि माननीय जिला प्रशासन ने हमारी बात को नकारा, तो हमने आज 2:06 पर माननीय कमलनाथ जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता, उनका हमने पुतला दहन किया। और इसी के साथ साथ सर्वाधिवादी समाज ने अल्टीमेटम पहले ही दे चुका है कि जेल भरो आंदोलन, छिंदवाड़ा जिले के 10 लाख से ज्यादा आदिवासी इसमें शामिल होंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।